शाम को साप लगना और उनका सूर्याराधन व्रत। भगवान वराह कहते हैं, शुभांगिनी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा का वह अद्भुत प्रसंग कहता हूँ जो द्वारकापुरी में घटित हुआ था। साथ ही शाम के साप की बात भी सुनो। एक बार जब भगवान सानंद द्वारका में विराजमान थे तो नारद मुनि वहाँ पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन अर्घपाद्य मधुपर्क एवं गौ समर्पित किए। तदनंतर मुनि ने उन्हें यह सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। और एकांत में उन्होंने कहा, प्रभु, आपका नवयुवक पुत्र श्याम बड़ा वाग्मी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं में भी आदर पाने वाले। देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसको देखकर शुद्ध हो जाती हैं। आप श्याम को और उन देवियों को यहाँ बुलाकर परीक्षा करें कि वस्तुतः क्षोभ है या नहीं। इसके पश्चात सभी स्त्रियां तथा श्याम श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ गए। क्षण भर के बाद श्याम ने पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। वस्तुतः श्याम की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम सभी उठो और अपने स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वे देवियां अपने अपने स्थान को चली गई, पर श्याम वहीं बैठे रहे। उसके शरीर में कमकमी बंदर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इनकी इस प्रवृत्ति से सत्यलोक में भी आपकी निंदा हो रही है, अतः अब श्याम का परित्याग करना ही उचित है। भगवान, संसार में आपकी तुलना करने वाला दूसरा कौन पुरुष है? आप ही इसे कर सकते हैं। इस वसुंधरे नारद के इस कथन पर श्री कृष्ण ने श्याम को रूपहीन होने का शाप दिया, जिससे श्याम के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उसके शरीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शरीर ऐसा दिखाई पड़ने लगा मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने इस श्याम को साप से छुटने के लिए सूर्य की आराधना का उपदेश दिया और साथ ही कहा, जाम्बवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषदों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करके विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा, जिस प्रसंग को लेकर वो भविष्य पुराण निर्मित होगा। उसे मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उसके सामने सदा पाठ करूँगा। फिर सुमंत मुनि मत्स्यलोक में मनु के सामने उसका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकों में प्रसार होगा। सामने कहा, प्रभु, मेरी स्थिति तो ऐसी है मानो मांस का एक पिंड हो, फिर उदयाचल पर मैं जा ही कैसे सकता हूँ। ये आपकी ही कृपा है कि मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो वस्तुतः मैं बिल्कुल दोष रहित था। नारद जी बोले, श्याम, उदयाचल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जैसा फल मिलता है वैसे ही फल मथुरा के सटसूर्य तीर्थ पर सुलभ हो जाता है। यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का प्रायः प्रातः मध्यान्ह एवं सायंकाल में जो पूजा करता है वह तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्यान्ह और सायं, ये तीनों पवित्र समयों में सूर्य मंत्र का जप तथा उच्चारण, उच्च स्वर से उसके स्तोत्र पाठ से सारे पाप धुलकर कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान वराह कहते, वसुंधरे मुनिवर, नारद के ऐसा कहने पर महाबाहु सामने श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके मुक्ति फल देने वाले मथुरा में आकर देवर्षि नारद की बताई विधि के अनुसार प्रातः, मध्यान्ह और सायंकाल में उन षट सूर्यों की पूजा एवं दिव्य स्तोत्र द्वारा उस उपासना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य ने भी योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण कर श्याम के सामने आकर कहा, श्याम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रसार के लिए भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर, नारद ने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया है, उस तुम्हारी संब पंचाशिका स्तुति में वेदज्ञ अक्षरों एवं पदों से संबंध 50 श्लोक है। वीर नारद जी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकों द्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ।
वसुदेव एक कहकर भगवान सूर्य ने सांब के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। उसके छूते ही सांब के सारे अंग सहसा रोगमुक्त होकर चमक उठे। फिर तो वे ऐसे विद्योतित होने लगे मानो दूसरे सूर्य ही हो। उसी समय याज्ञवल्क मुनि माध्यान्दिनी यज्ञ करना चाहते थे। भगवान सूर्य शाम को लेकर उसके यज्ञ में पधारे और वहां शाम को माध्यान्दि संहिता का अध्ययन कराया। तब से शाम का भी एक नाम माध्यान्दिन पड़ा। वैकुंठ क्षेत्र के पश्चिम भाग में ये यज्ञ संपन्न हुआ था, अतएव उस स्थान को माध्यान्दिन नियस तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान एवं दर्शन करने के प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शाम के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किया वही प्रसंग भविष्य पुराण के नाम से प्रख्यात पुराण बन गया। यहाँ शाम ने कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मध्यान्ह के सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जब मनुष्य प्रातः मध्यान्ह और अस्त होते समय इन सूर्यदेव का यहाँ दर्शन करता है वह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरी उत्तम प्रातः प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान कालप्रिय नाम से प्रतिष्ठित हुई। तदनंतर पश्चिम भाग में मूलस्थान में अस्ताचल के पास मूलस्थान नामक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार सामने सूर्य की तीन प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्रातः मध्यान्ह एवं संध्या तीनों कालों में उपासना की भी व्यवस्था की। देवी सामने भविष्य पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भी अपने नाम से प्रसिद्ध एक मूर्ति की यहाँ स्थापना कराई। मथुरा का वह श्रेष्ठ स्थान सांबपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहाँ रथ यात्रा का प्रबंध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त मानो उस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह सूर्यमंडल का भेदन कर परमपद प्राप्त करते हैं। देवी सांब के साप का ये प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 177 समाप्त। शत्रुघ्न का चरित्र सेवा पराध एवं मथुरा महात्म्य। भगवान वरा कहते हैं, देवी प्राचीन समय की बात है, मथुरा में लवण नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। मार्क्सिस की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहाँ संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवणासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने सुस्वादु अन्नों से ब्राह्मणों को तृप्त किया था। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेना के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने उसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अगहन मास के शुक्लवक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथि के पुण्यावसर पर उपवास करके विश्रांति तीर्थ में सपरिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तृप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पितरों के साथ दीर्घ काल तक यथार्थ प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे मन वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। दंत दावन न करने, राज्यान खाने, स्वस्पर्श करने, सूतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्य वाणी बोलना, अभक्षण भक्षण करना, पिंडाक मतलब हिंग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र नीले रंग का वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना तथा भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध है। उत्तम
अन्न स्वयं खा लेना, बत्तख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में जूता पहनकर जाना भी अपराध है। देवताओं की आराधना में जिस फूल को शास्त्र में निषिद्ध माना गया है उसे काम में लेना, निर्माल्य को विग्रह मूर्ति पर से हटाए बिना ही अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता का जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काम में प्रवृत्त हो जाना, ये सभी अपराध है। वसुदेव, इस प्रकार के 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधों से युक्त पुरुष परम प्रभु श्रीहरि का दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धि का प्रकार यह है। मैले वस्त्र से दूषित व्यक्ति एक रात, दो रात अथवा तीन रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने के पाप से बचने के लिए मानव गोमय द्वारा गोमय द्वारा अपने शरीर को भलीभांति मले और प्राजापत्य व्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए दो चांद्रायण व्रत करने का विधान है। लोग पतित का अन्न खा लेने पर चांद्रायण और पराक व्रत करने से शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मंदिर में जाने वाला मानव कुछ पाद व्रत और दो दिन उपवास करे, फूल तथा नैवेद्य के अभाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदिरा पान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि चार चंद्रायण व्रत अथवा तथा 12 वर्षों तक तीन प्रजापत्य व्रत करे अथवा शौक्रव तीर्थ में जाकर उपवास एवं गंगा में स्नान करे, उसके प्रभाव से प्राणी शुद्ध हो जा सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपवास करने से शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है वह अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यानपरायण, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से भी पातक पलायन कर जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, सुरेश्वर, मथुरा और शुक्र ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय है, ये पर यदि इससे भी बढ़कर कोई अन्यत्र तीर्थ हो तो अब उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुदेव, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब में कुब्जाम्रक तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्पुरुष सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जाम्रक में भी कोटि गुना अधिक परम गुह शौक्रव तीर्थ है। एक समय की बात है, मार्क्सिस के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैं सित वैष्णव तीर्थ में गया। वहाँ पुराणों में श्रेष्ठ तथा एक गंगा सागरिक नाम का पुराण देखा है। इसमें मेरे मथुरा मंडल के तीर्थों की अत्यंत गुह महिमा वर्णित है। सित तीर्थ से पराद गुणा फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुमजाम्रक प्रभुति समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात मैं मथुरा में आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे उस स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वहाँ वह स्थान गोपनीयों में परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करने से परम उत्तम फल मिलता है। गति का अवलेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके कुमजाम्रक और शौक्रव श्रेष्ठ क्षेत्र की महिमा है। सांख्य योग और कर्म योग के अनुष्ठान के बिना भी इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मण के लिए जो गति निश्चित है वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। सुव्रते, वस्तुतः मथुरा से उत्तम न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान केशव से श्रेष्ठ कोई देवता है। अध्याय 178-179 फिनिश। श्राद्ध से अगस्त का उद्धार, श्राद्ध विधि तथा ध्रुव तीर्थ की महिमा। भगवान वराह कहते, वसुंधरा पितरों से
संबंध एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं सुरवीर राजा थे जिसका नाम चंद्रसेन था। उनकी 200 रानियां थी जिसमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसके 100 दासियां भी थी जिनमें एक का नाम प्रभावती था। उस दासी के परिवार में पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरकयातना में पड़ गए क्योंकि उसके कुल में एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया था। देवी, एक समय वे पितर ध्रुवतीर्थ में आए जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितर आकाश गमन की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रिया पड़ गई थी, अतः वे पुत्रों को श्राप देकर चले गए। त्रिकालज्ञ मुनि ये सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितर ने उससे कहा, मुनि, वर्ण संकर संबंधित दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आशारूपी रस्सियों से बधा प्रतिज्ञा करता रहा पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों पापों से अत्यंत घबराकर और विशेष विवेश होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान एवं तर्पण किया है वे पितर हृष्ट पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है वे उसके द्वारा स्वधा से सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। त्रिकालज्ञ मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है, उसके प्रभाव से आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है वे सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है किंतु न करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताता हूँ। सुने, श्राद्ध संबंधी जो दिव्य उचित देश काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा न हुई, साथ में दक्षिणा न दी गई तो वह प्रत्यवाय का कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ी, जिनमें तिल और कुश का अभाव रहा एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गए, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय में ही भगवान वामन ने ऐसे श्राद्ध का अधिकार बलि को बना रखा है। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिग्गत हो गया तो उस त्रिभुवन भर्ता श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्धों का फल त्रिजटा को भी दे दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता ने उनसे कहा, त्रिजटा आप में भक्ति रखती है। सीताजी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए। अतः उन परम प्रभु ने उस राक्षसी को ये वर दिया, त्रिजट्टे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम अविष पदार्थ आदि सामग्रियां न हो, विधि और पात्र उचित रहने पर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर संपन्न न हो एवं दक्षिणा भी ना दी जाए तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा था, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पूर्व भगवान श्री हरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा न दी, देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, श्राद्ध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रिया कर दी, ऐसे यज्ञ एवं श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। मुने, वे ये सभी बातें पुराणों एवं इतिहासों में वर्णित है। मुने, जिन्हें आपने दयनीय दशा में देखा था उसके श्राद्ध अवैध रूप में ही अनुष्ठित हुए हैं, अतः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता है, पितरों को प्राप्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं। इनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी उसमें त्रुटि रह गई थी,
इसीलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभुत जल वाली नदियों में तृप्तध्वम उदीरताम अयंतु इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण एवं इसके उनके तट पर श्राद्ध करेगा। महाप्राज्ञा, आपने मुझसे जो पूछा था संक्षेप में उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, ये सब सुनकर ये वे ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन ऋषियों को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उसके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुनिवर आप मेरे घर पर पधारे, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। मुनि पाद्य अर्घ मधुपर्क और गौ, ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित है, इन्हें आप स्वीकार करें जिससे मुझे संपूर्ण संतोष हो जाए। देवी, उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए अर्घ आदि को स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत उन नरेश से कहा, राजन मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर राजसी चंद्रसेन ने उस तपोधन ऋषि से पूछा, तपोधन वह कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए, मैं वह समुचित कार्य करने के लिए उद्दत हूँ जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को जिसे लोग प्रभावती कहते हैं यहाँ बुलाए। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहाँ बुलाया। रानी परम साध्वी थी, वे आकर जमीन पर बैठ गई, पर उस समय उसका शरीर भय एवं आकांक्षा आशंकाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनयपूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उसके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की बात एक बात देखी है उसे आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्राद्ध किया है वे तो तृप्त होकर स्वर्ग को गए, किंतु वहीं मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले हैं। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया है, उसका मुख शुष्क और आंखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वे पुनः अपवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैं उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी बात सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया हूँ। महारानी जी, अब बात ऐसी है, आपकी जो ये दासी है इसकी एक पुत्री है जो विरूपक निधि नाम से प्रसिद्ध है, आप उससे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। वसुंधरे, इस प्रकार मुनिवर त्रिकालज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी ने उसी क्षण उस दासी पुत्री को बुलवाने की आज्ञा दी। उस समय वह मदपान कर उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राज सेवकों ने उसे संभाल कर रात में पकड़े हुए वहां लाकर उस मुनि के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे, मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाले उस दासी को देखकर उन्होंने उससे पूछा, अरे तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से स्वधा कहकर तर्पण किया है अथवा नहीं, ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्त करने वाली पिंड एवं तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की है। वसुदेव, इस पर उस दासी ने उस मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है, मैं तो ये भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर है और उसके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। पृथ्वी, फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी से उस त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, आज इस नगर के महाराज महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष ध्रुव तीर्थ में पधारे, वहाँ पितरों के लिए पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुप्रस्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी नगरवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने में कौतुक का वश भी प्रवृत्ति न थी वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में गए। वहां जाने पर सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा असंस्कृत असत्कृत एवं अस्त व्यस्त प्राणी पर पड़ी। बेचारे को शुद्ध मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे हुए थे, साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्यथित था। उस समय त्रिकालज्ञ ने कहा, देखो ये स्त्रिया तुम्हारी संतानों से उत्पन्न है, तुम परिपुष्ट हो जाओ। अतः दर्स्थ राजा की कृपा से उसका यहाँ आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, ये दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में
निर्दिष्ट क्रम से तर्पण करें। तदनंतर प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार ये पिंडदान के पिंडदानादि श्राद्ध कर्म करें। सभी कर्मपात्र चांदी के हो, साथ में वस्त्र और चंदन रखना चाहिए आवश्यकते है। फिर भक्तिपूर्वक पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करें, पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करें। साथ सभी सज्जन यहीं रहे और इसका परिणाम तत्काल देख ले, मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊंगा। इस विधि से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध करना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। वसुंधरा रानी चंद्रप्रभा अगस्त की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध करने में तत्पर हो गई। उस श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणाएं दी, रेशमी वस्त्र, धूप, कपूर, अगरु, चंदन, तिल और अन्न आदि विविध वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गई। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिंडदान का क्रम समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्श्ववर्ती जो मशक हैं थे उसकी आकृति में भी वैसे ही परिवर्तन हो गया। अब उससे घेरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित हो कोई पुरुष अंत में अवृत स्नान से संपन्न हुआ हो। उस समय स्वर्ग से जितने दिव्य विमान आए थे आए कि आकाश ढक गया। अब अगस्ती आदि सभी बोले, महानुभाव हम लोग भलीभांति तृप्त हो गए हैं। अब परम धाम में जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की ये महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुनि मेरे कहने की बात ही क्या है, आप सबने स्वयं भी उसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितांत असंभव था किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पुंज को पार कर लिया। पृथ्वी अब अगस्ती नाम का प्राणी मुनिवर त्रिकालज्ञ राजा चंद्रसेन रानी चंद्रप्रभा उपस्थित जनता दासी प्रभावती तथा उनकी पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग में स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान वराह कहते हैं भद्रे इसके पश्चात भगवान महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम कर अपनी परिजन पुरजन सहित नगर को लौट गए। पृथ्वी मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महत्व मैंने तुम्हें सुनाया। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्वजन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है उसके मानो गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया। महाप्रागे जिसकी व्रत में आस्था न हो इस प्रसंग को सुनने में उदासी हो तथा भगवान श्रीहरि की अर्चा से विमुख हो उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभों में उत्तम लाभ है। महाभागे जिनकी भगवान श्रीहरि में सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष है उसके सामने ही इसका प्रवचन करना उचित है। सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान वराह की ये वाणी सुनकर देवी धरणी का मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। अब उन देवी ने प्रसन्नतापूर्वक प्रतिमा की स्थापना के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न करना आरंभ किया। अध्याय 180 फिनिश।